तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड की। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखिए, मेल में तीन एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है बहुजन, समाज, पार्टी, या फिर BSP, BSP। तो देखिए, अब इनके नाम क्या क्या होते हैं। तो बी से है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देन इसके बाद है एस, एस से है सेमिनल वेसाइकल, एंड लास्ट है पी, पी से है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए, आपको याद रखना है जो हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो पेयर होती है, पेयर, ये भी पेयर होती है सेमिनल वेसाइकल भी, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये अनपेयर्ड होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अनपेयर्ड होती है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका काम होता है लुब्रिकेशन, तो इसलिए ये म्यूकस सिक्रेट करती है, सिक्रेट म्यूकस। देन इसके बाद है सेमिनल वेसाइकल, इसका काम होता है कैल्शियम एंड फ्रक्टोस का सिक्रेशन करना। एंड लास्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका काम होता है सिट्रिक एसिड, सम एंजाइम जैसे कि एमाइलेज एंड पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करना। तो ये सभी इनके काम होते हैं। तो देखिए, इन तीनों से मिलने वाले सिक्रेशन को, इन तीनों से मिलने वाले सिक्रेशन को सीमेन कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इनकी लोकेशन कहाँ होती है वो भी देख लेते हैं, आपको एक छोटे से डायग्राम में बता देते हैं। तो देखिए, टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, इनसे एक डक्ट निकलती है इस तरह से जो कि ऊपर जाती है और इस तरह से यहाँ पे आ जाती है। एंड इसी तरह इससे भी निकलती है, तो ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाती हैं आपस में, और आगे जाके यूरेथ्रा के रूप में खुल जाती हैं। तो देखिए, टेस्टिस है जिनसे एक डक्ट निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसका एक पूरा पाथवे होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए, जब डक्ट बनती है तो डक्ट को यहाँ पे मिलने से पहले, तो ये जंक्शन जो होता है, जंक्शन से मिलने से पहले यहाँ पे दो ग्लैंड पाई जाती हैं। तो वो ग्लैंड कौन सी होती है, यहाँ पे एक पेयर ग्लैंड होती है इस जगह कुछ इस तरह से, एंड इधर भी इस तरह से। तो इसे कहते हैं सेमिनल वेसाइकल, जो कि दोनों तरफ होती है, यानी कि ये पेयर्ड होती है। और ठीक इस जंक्शन के पीछे एक ग्लैंड होती है जो कि सिंगल ग्लैंड होती है, उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी। एंड इसके बाद थोड़ा आगे चल के यहाँ पे दो ग्लैंड होती है दोनों तरफ, जिन्हें कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है बहुजन समाज पार्टी या BSP, जिसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तीनों आती हैं, जिनमें से बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड होती है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड होती है। और एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं BPH,
BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। यदि इस प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाता है तो ये इस पे प्रेशर डालती है, अपना जो ये नली होती है इस पे प्रेशर डालती है, जिससे यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है और यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो इसे हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। तो ये बीमारी जो होती है ये ओल्ड एज में होती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर बीमारी है। तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, यदि आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।